YouTube के ऑफिशियल चैनल लर्निंग टाइम में आज हम बात करेंगे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, आपकी जो वैकेंसी है किस टाइप की है और क्या कब से आवेदन कर सकते, सारी डिटेल जो नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड मैं रिक्रूटमेंट बेस पे आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट, टेक्निकल और अन्य जो वैकेंसियां रहती हैं जिसमें आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो आपसे निवेदन है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखिए, इस लिंक में आपको देखिए पोस्ट नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हिंदी अंग्रेजी में मिल जाएगी। यहाँ पे लास्ट डेट है 22 अप्रैल 2021, तो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, पेपर वाइज पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपके जो फॉर्म है, सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी आ रही है, अवेलेबलिंग एज कंसेशन, यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर प्रोड्यूस ओबीसी का, SC ST का, ठीक है, एक नवी सेक्टर के आपके फॉरम है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड ये इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन है, यंग हिंदी में है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में से आपको जो भी चाहे उसमें आप दे सकते हैं। मैं तो अंग्रेजी में बता देता हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट की लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी 29,000 से लेकर 92,000 तक। नंबर वैकेंसी 3 है, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल की लेवल 2 19,000 से 63, यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसी है। LDC की 2 वैकेंसी है 19,000 से 63, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। फॉरेस्ट गार्ड की आपकी वैकेंसी 1 है और MTS की यहाँ पे 8 वैकेंसी, सैलरी 18 से 56 तक, 19 से यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की 63 रहेगी। यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल 2021 रात के 11:59 पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मोर डिटेल के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर 23 मार्च से लेकर आप 12 बजे के से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 22 तारीख तक। यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड, आपकी एप्लीकेशन आर इनवाइट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल सिटीजन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एज यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की है लेवल 5 की 29 से लेकर, नंबर वैकेंसी आपको देखने को। BSc आपका होना चाहिए केमिस्ट्री, S आपका जो कि मेन सब्जेक्ट होना है रुकना यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी, ठीक है। टेक्निकल मेंटेनेंस की यहाँ पे देख सकते हैं आपका हाई स्कूल फ्रॉम गवर्नर रुकना बोर्ड से, साथ में आपका होना चाहिए ITI कोर्स इलेक्ट्रिक ट्रेड में फ्रॉम गवर्नर रुकना यूनिवर्सिटी। तो आपका हाई स्कूल प्लस ITI होना जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। सैलरी और स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क का देख सकते हैं लेवल 2 का, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, 12th पास होना चाहिए फ्रॉम गवर्नर रुकना यूनिवर्सिटी बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में जो कि मैनुअल टाइपराइटर में, ठीक है। टाइपराइटर की बात की जाती है, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए ये आपकी कंप्यूटर पर, ठीक है। इन दोनों से में एक यहाँ पे है मांगा गया है। फॉरेस्ट गार्ड की लेवल 2 की 1 वैकेंसी है, 12th पास यहाँ पे होना चाहिए साइंस फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, फिजिकल स्टैंडर्ड मेन का, वॉक 25 किलोमीटर 4 घंटे में, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर रखी गई, चेस्ट आपके 79 विदाउट एक्सपेंशन 84 विद एक्सपेंशन वुमेन, ठीक है। 14 यहाँ पे आप वुमेन की कैटेगरी के लिए आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 14 किलोमीटर 4 घंटे में, हाइट आपकी वुमेन की देखिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 674 और विद एक्सपेंशन 79, ठीक है। फिजिकल स्टैंड इन रेस्पेक्ट शेड्यूल ट्राइब मेन वुमेन कैंडिडेट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 5 सेमी रहेगा, हाइट में आपके 4 सेमी रहेगा ईच रेस्पेक्ट विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं द अप्रोप्रिएट विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज आपका फॉरेस्ट्री आपका गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पे आपको मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है इसके बारे में देखेंगे, 10th पास होना चाहिए, 1 पोस्ट टू MTS रिजर्व फॉर दिव्यांग पर्सन के लिए है, ठीक है, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस है, लो विजन के सफरिंग फ्रॉम नॉट लॉस देन आपके 40% है, ठीक है। इंपोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं आपके एज के बारे में आ रहा है, यहाँ पे आपको जो टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब रिसर्चर की है
जिसमें आपकी दो वैकेंसी है, केमिस्ट का लास्ट डेट ओवर दिन तक यहाँ पे रखेगा, यानी मिनिमम डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन, ठीक है, 21 अप्रैल, यानी आपकी जो 22 अप्रैल है उस तारीख तक 21 रखी गई है, और मैक्सिमम आपके क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक 30 रखी गई है, ठीक है, यानी 22 अप्रैल तक के यहाँ पे कट ऑफ डेट है। यहाँ पे आपको एज रिलेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं एस सी एस टी को, इनको लाभ है, तो यहाँ पे इनकी पूरी जानकारी दे रखी है। टेक्निकल की यहाँ पे जैसे 18 से 30 दे रखी है, लो डिवीजन क्लर्क की 18 से 27, फॉरेस्ट गार्ड की 18 से 27, मल्टीटास्किंग की 18 से 28 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं फॉर डिपार्टमेंट जो कैंडिडेट है ICFRI के रेगुलर एम्प्लॉई है, उनके लिए टेक्निकल विल नो बार ऑन एज रिलेक्शन, ठीक है, क्या मैक्सिमम 5 ईयर एज रिलैक्स रहेगा। अब जो कि आपका दे सकते हैं जो कि अपर एज रिलैक्सन रहेगा एस सी एस टी के लिए, यहाँ पे दे सकते हैं आपका 5 साल रहेगा, ओबीसी के 3 साल, जो दिव्यांग है 10 साल, और आप जो कि आपके 13 साल के ओबीसी के दिव्यांग है आपका 13 साल, 15 साल एस सी एस टी है दिव्यांग है उनको 15 साल, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल आ रही है, एक सर्विस मैंने 18-27 आपका रहेगा गया, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट कैन अप्लाई वन पोस्ट के अबव द ट्रेड टेक्नीशियन प्लीज और रेफर पॉइंट 5 तो जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट 5 जो उसके बारे में बात करें, इफ कैंडिडेट विश टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट ही शुड सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वायर्ड फी। तो यहाँ पे आप एक से अधिक पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग फीस देनी होगी, ठीक है। तो फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन आपका कैंडिडेट कैन अप्लाई एदर इलेक्ट्रिकल या प्लम्बर में, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में आ रहा है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने दो में एक साथ अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी है, इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं, यहाँ पे कोई भी आपके इंटरव्यू नहीं होगा एडवर्टाइज, आप यहाँ पे आपको टाइपिंग स्किल मेडिकल फिजिकल नॉन ट्रेड टेस्ट होंगे जो कि आपके एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं 100 क्वेश्चन आपके मार्क के पेपर होंगे कंटेनिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, पेपर विल बी 100 MCQ होंगे, या पेपर विल बी आपका दो भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। फॉर कैलकुलेटिंग मार्क 1 मार्क अवार्ड फॉर ईच क्वेश्चन, गलत करते हैं तो 1/4 आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं दो आपके कैंडिडेट के समान अंक आते हैं या उससे अधिक लोगों के समान अंक, उसके बारे में दे रखा है। इन केस वेयर द मार्क आर इक्वल द कैंडिडेट सीनियर एज विल बी रैंक हाइयर, तो यहाँ पे जो उम्र जिसकी ज्यादा है उसको रैंक हाई रखा जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग आपके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस बॉडी में काम करें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आए, तो यहाँ पे आपकी जो फीस है नॉन रिफंडेबल रहेगी, एप्लीकेबल 300 रुपये फीस प्लस 150 रुपये, 450 रुपये फीस है, ठीक है, जनरल ओबीसी वालों के लिए। ओनली जो 150 रुपये फीस है एस सी एस टी वूमेंट दिव्यांग लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको नो अदर पेमेंट मोड एप्लीकेशन आर एप्लीकेबल एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट को अपना चेक कर लेना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ETC पोर्टल पर आपकी जिसकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, ठीक है, व्हेन इज डिक्लेयर। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है टेम्परेरी नेचर की है बट लाइकली टू परमानेंट, ठीक है, तो परमानेंट बेस पर ही है ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो कि आपके यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड जो केस के बारे में बता रहे जो सेम नंबर लेके आएंगे यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो कैंडिडेट गेटिंग मोर मार्क इन सेक्शन, तो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस विद रैंक हायर रखे आएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी आपकी दे रखी है उनकी लिस्ट, तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका मैंने एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन का जानकारी दी है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के और अन्य जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड अगर ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।